इस लड़की को यहाँ पर एक कुत्ते की तरह बांध कर रखा गया है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, पर उसके मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसे खाने के लिए कुत्ते का खाना देता है। लीसा उसे देखकर खाने से मना कर देता है, पर 3 दिन से भूखे रहने की वजह से लीसा अब उसी को खाने के लिए तैयार हो जाता है। पर खाना अब उससे बहुत दूर था। अब काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार लीसा उस खाने तक पहुंच जाता है। फिर अगले दिन एक आदमी उसे कुत्ते की तरह नहलाता है और उसके बाद उसे एक मैदान में दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर लीसा उस कैंप से भागने की कोशिश करती है, पर जैसे जैसे लीसा उस कैंप से दूर जा रहा था वैसे वैसे उसके गले का पट्टा अपने आप कसने लगता है, जिससे अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था। फिर भी वो हार नहीं मानती और जैसे ही लीसा उस बाउंड्री को हाथ लगाता है उतने में उसे एक जोरदार झटका लगता है। थोड़ी देर बाद इस जेल में एक और आदमी को लाया जाता है और अब धीरे धीरे लीसा और उस आदमी में दोस्ती हो जाती है। एक दिन एडम यहाँ से भागने के लिए सोने का नाटक करता है और एक कर्मचारी को मारकर उससे चाबी लेकर दोनों आजाद हो जाते हैं, लेकिन तभी लीसा पीछे से एडम को मारकर बेहोश कर देता है।